हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में न्यू वैकेंसी अनाउंस की गई है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है फुली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है PGCIL भारत सरकार की महारत्न कंपनी है। दोस्तों, इसमें अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो आपका पहला पद है वो आपका है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें आपके टोटल जो पद हैं 50 रहने वाले हैं। और आपका जो दूसरा पद है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपके टोटल पद 15 हैं। और इसी प्रकार आपका नेक्स्ट पद है फील्ड इंजीनियर IT सेक्टर से, इसमें भी आपके टोटल 15 पद हैं। और दोस्तों, जो दूसरा पद है वो आपका फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल है। इसमें आपको वैकेंसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी आपकी टोटल 480 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज अलग अलग है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी ज्यादा है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट पद है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी आपके 240 पद हैं और कैटेगरी वाइज अलग अलग है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि PGCIL में इतनी ज्यादा वैकेंसी काफी दिनों के बाद आ रही है। कितनी 800 पद हैं टोटल। तो इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है वो आपकी 29 साल है और आपकी जो काउंट होगी वो 11/12/2022 से होगी। दोस्तों, आपकी दिसंबर से काउंट। दोस्तों, इसमें ये एलिजिबल क्राइटेरिया है आपका जो इंजीनियर के लिए रहने वाला है फुल टाइम BTech या BE डिग्री होना चाहिए और आपके पास एक साल का अनुभव होना चाहिए, वर्किंग अनुभव होना चाहिए आपके पास एक साल का। और आपका ये स्पेसिफाइड दिया गया है कि आपको इन वर्क में अनुभव चाहिए। और दोस्तों, इसी प्रकार आपका इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसी प्रकार इंजीनियर IT का भी सेम क्वालिफिकेशन है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है वो आपका डिप्लोमा रखा गया है। और दोस्तों, जिसके पास डिप्लोमा नहीं है और वो हायर क्वालिफिकेशन है BTech या MTech तो वो आवेदन नहीं कर सकता है। दोस्तों, ओनली डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं या डिप्लोमा प्लस BTech वाले आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका जो अनुभव मांगा गया है एक साल का मांगा गया है। और दोस्तों, इसमें जो आपका पेमेंट रहने वाला है वो आपका काफ़ी अच्छा पेमेंट रहने वाला है। जो इंजीनियर पोस्ट है उसके लिए बेसिक पे आपका 30,000 रहने वाला है और आपके पास DA HRA और पक्ष भी मिलेंगे। और दोस्तों, जो सुपरवाइजरी पोस्ट है उसमें आपका बेसिक पे 23,000 रुपये रहने वाला है और आपके भत्ते मिलेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो सुपरवाइजर की पोस्ट है इसमें आपका लमसम जो पेमेंट इन हैंड आएगा वो 40 की लमसम आएगा और जो इंजीनियर की पोस्ट है उसमें आपका इन हैंड 50 की लमसम पेमेंट आने वाला है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका एग्जाम होगा 1 घंटे का और जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल से और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एप्टीट्यूड से। दोस्तों, टोटल 75 नंबर का होगा और 1 घंटे का आपका टाइम पीरियड रहेगा। दोस्तों, फील्ड सुपरवाइजर पोस्ट के लिए भी आपका एग्जाम पैटर्न जो दिया गया है टेक्निकल आपका 50 का और एप्टीट्यूड आपका 25 नंबर का, टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। दोस्तों, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी इंजीनियर पोस्ट के लिए 400 रुपये और सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए 300 रुपये है। दोस्तों, आप लोग आवेदन कैसे करेंगे? आपको PGCIL की मेन साइट पे जाना है, फिर आपको कैरियर सेक्शन को करना है, उसके बाद आपको वहां पर आवेदन का लिंक मिल जाएगा, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसमें इम्पॉर्टेंट डेट है, आपका जो फॉर्म ओपन हो रहा है वो आपका 21 नवंबर से हो रहा है और आपका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 11 दिसंबर है। लमसम आपके पास अच्छा खासा समय है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं वो आवेदन ज़रूर करें, आपकी काफ़ी अच्छा पे है और आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें न्यू अपडेट पाने के लिए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।